सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। बस भी करिए, आप दिन में पी रहे। तू रोकेगी? मेरी मर्जी, मैं कभी भी पीऊं। चल तू मुझे रोकेगी? रघु को मुझे रोकेगी? पापा से कुछ मत बोल। तो चुप रहे माँ, आज मैं इनकी परेशानी जान के रहूंगी। देख मनु, तू पीछे मत बोल। ये औरत मुझे रोकेगी? अरे मैं इस घर का मालिक हूँ, दिन में भी उठाते भी हूँ। कौन है ये? क्या मनु बीच में मत बोल। हाँ क्या मनु बीच में मत बोल। अरे बचपन से देख रही हूँ आपकी ये नौटंकी। और माँ तू क्या रोज रोज मार खाती रहती है, एक उल्टे हाथ तो देने का ना बाबा को। मनु कोई ऐसे बात करता है अपने पापा से? देख देख इनकी जुबान कितनी लंबी हो गई है, ये मुझे मारने की धमकी दे रही है। देख, और आपकी उम्र बहुत लंबी होती जा रही है, थोड़ी सी बची है, शांति से जियो। क्या है बेटा, कोई ऐसे बदतमीजी से बात करता है अपने पापा से? माँ तू तो चुप ही रहे। रोज रोज पति से पिटती आती है फिर भी पति को भगवान बनाकर रखा है। तेरा कुछ नहीं हो सकता माँ, तेरा कुछ नहीं हो सकता। एक काम करो, जाओ अपने पति को अंदर लेकर जाओ और शांति से झगड़ो। जाओ चला, ये लेके जाएगी। खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, जाओ जाकर दरवाजा खोलो। सुबह सुबह मूड खराब कर देते हैं ये दोनों। माफ कर दो बेटा, उसी उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। इतनी सजा उसके लिए काफी है। ये सब क्या है मन्नू बेटा, इतनी सजा अच्छी नहीं है बेटा, जरा देखो तुम। माँ तुम चुप रहो, ये हमारा मामला है, हम सुलटा लेंगे। तुम जाओ और पिताजी को संभालो। लेकिन बेटा सर। माँ मैंने कहा ना, अंदर जाओ, अंदर जाओ माँ। क्या कह रही थी आप? जो बसी भूल जा। अरे तुम दोनों तो एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, उसी प्यार के वास्ते उसे माफ कर दे। 6 महीने से वो जेल में है, अगर तू इस माफीनामे पे साइन कर देगी तो उसके 6 महीने की सजा माफ हो जाएगी। क्या सजा माफ कराने आई हो तुम? आंटी, आपके बेटे ने हम पर हाथ उठाया था और हम कोई अबला नारे तो है नहीं कि मर्द की मार से हले, इसलिए हमने उसे झूठे केस में 1 साल के लिए अंदर करवा दिया। इतना गुस्सा ठीक नहीं है, उसे माफ कर दे, हम तुझसे माफी मांगते हैं। देख मैंने ये 1 लाख रुपए लाए, ले ले इसे तू और उसे माफ कर दो, ये सब ले लो। तो आप मुझे 1 लाख रुपए देके मुझे खरीदने आई? मेरा केस इतना भी सस्ता नहीं है आंटी। आंटी वैसे इस बुढ़ापे में आप इतना गहना पहन के करेंगी क्या? बेटा आएगा तो और गहने बना देगा आपके लिए। एक काम कीजिए, सारे गहने यहां उतार दीजिए। लाओ पेपर लाओ।
I'm sorry. क्या तरीका है ये? अंधे होकर गाड़ी चलाते हो? I said I'm extremely sorry. रोड में गड्ढा है, मैं वो देख नहीं पाया और इसकी वजह से sorry. रोड के गड्ढे कहाँ से देखोगे? अमीरी पर चश्मा जो पहन के रखा है तुमने? एक तो बस नहीं मिल रही, ऊपर से अब इन कपड़ों में मैं कहाँ जाऊँ? एक काम करिए ना, आप अपने आप को इससे क्लीन कर लीजिए. मैं कर देता हूँ. अच्छा ठीक है, बाकी मैं कर लूंगी. अच्छा वो आप जा कहाँ रहे थे? इफ यू डोंट माइंड, आप जहाँ जा रही हैं मैं आपको छोड़ दूँ तो? अरे वाह, आप तो बड़े फास्ट निकले. ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं इस शहर में नया हूँ और यहाँ के रास्तों से अनजान भी हूँ. अगर आप मेरे साथ चलेंगी तो मुझे रास्ते पता चल जाएंगे और मेरी हेल्प हो जाएगी, और शायद इसी बहाने मुझे इस अनजान शहर में एक दोस्त भी मिल जाएगा. यार ये कितना अमीर और हैंडसम लगता है. क्या हुआ, आपने कुछ जवाब नहीं दिया? अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं. इट्स ओके, अब आप इतनी रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं तो मैं आपके साथ चल लेती हूँ. So sweet of you. Please, आइए. बड़ी मुश्किल से तुम्हारी जमानत हुई है बेटा, बस अब अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो. लेकिन माँ, उसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसका क्या? बेटा उसे बुरा सपना समझ के भूल जा. माँ आप मनु से माफीनामे पर साइन करवाने के लिए गई थी? हाँ बेटा. जो लड़की छोटी सी गलती पे हमें झूठे केस में जेल भिजवा सकती है, वो इतनी आसानी से माफीनामे पर साइन कर दे, मैं मान नहीं सकता. माँ सच बताओ आखिर हुआ क्या है? माँ आपके गले की सोने की चेन और कानों की बाली और हाथ का कंगन, अब समझ में आ गया कि उसने साइन क्यों किया. माँ मनु इस हद तक गिर जाएगी, हमें इसका अंदाजा नहीं था. आपके साथ उसने ऐसा किया, उसकी वजह से मेरी सरकारी नौकरी छूट गई, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई. उसे हम छोड़ेंगे नहीं, जान ले लेंगे हम उसकी. नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं करेगा तू. बड़ी मुश्किल से तेरी जमानत हुई है, तेरे बिना मैंने ये जिंदगी बड़ी मुश्किल से काटा है. बस अब और नहीं चाहिए मुझे कुछ. चले हमें कितनी मुलाकात बहुत है. आपने कहा उनसे कि अभी रुक जाओ, रात बहुत है. रात के 3 बज गए हैं जनाब, अभी तक सोए नहीं तुम? वैसे नींद तो तुम्हें भी नहीं आ रही है ना मनु? एक बात बोलूं? बोलो. अरुण यार पता नहीं जब से तुम्हें देखा है अजीब सा कुछ कुछ होता है. आई थिंक आई एम इन लव. मनु आई लव यू यार, आई लव यू. सच ऋषि, आई लव यू टू. आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश. एंड आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें जिंदगी भर बहुत खुश रखूंगा. आई लव यू, आई लव यू माय जान. Bye. कौन कहता है कि स्मार्ट और रिच लड़के का कॉम्बिनेशन मिलना मुश्किल है? हेलो
ये लड़की है, मैं तुम्हें सेंड करता हूं, इसे मारना है। बाय गाइस। ये ले 20,000, बाकी काम हो जाने के बाद। काम हो जाएगा, लेकिन हाँ, इस लड़की को मरते हुए मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। इसके लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। किसी भी रिश्ते की नींव प्यार, भरोसा और इज्जत होती है, और अगर वही ना रहे तो उस रिश्ते को एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना ही बेहतर होता है। मनु और आशु का रिश्ता खत्म जरूर हो चुका था, लेकिन बहुत ही खतरनाक मोड़ पर, और रिश्तों में धोखाधड़ी ही अपराध को जन्म देती है, और कई बार इसी वजह से अपने ही अपनों को नुकसान पहुंचाते। नमस्कार, मैं गिरीश जैन, स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड। यहां मनु गलत थी, ना सिर्फ उसने आशु को झूठे इल्जाम में जेल भिजवाया, बल्कि उसके माफीनामे पर साइन करने के लिए पैसे भी लिए, और तो और उसने आशु की मां के गहने भी उतरवा लिए, और अब मनु एक नए रिश्ते में आ चुकी थी। लेकिन क्या यह नया रिश्ता ऐसे ही खूबसूरती के साथ चलने वाला था, या इस रिश्ते को पुराने रिश्ते में की गई गलतियों का ग्रहण लगने वाला था? अच्छा एक काम कर, अब तुम रिलैक्स करो, मैं चलता हूं। अरे क्या चलते हो, आज तुम कहीं नहीं जाने वाले, आज तुम यहीं रुकोगे मेरे साथ। बट मनु, तुम्हारे पेरेंट्स घर पे हैं। उनको मैं संभाल लूंगी, तुम्हें उनकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? फोन है ऋषि, छोड़ ना ये सब। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है। अरे तुम्हारे पेरेंट्स तो नहीं? अगर होंगे भी तो क्या कर लेंगे, कभी देख के आते। देखो मैंने कहा था ना, कोई नहीं, बिल्ली होगी शायद। तुम सही कह रही हो। चलो क्या भाई, कहा नहीं गया था? मुझे तो लगा तू ही गेम बजा डालेगा। है? अब कौन मारेगा इसका फैसला मैंने कर लिया है।
दबा ना, जान नहीं तेरा पैरों में, दबा। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चन, क्या हुआ? तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो? एवरीथिंग इज ऑल राइट? नथिंग इज ऑल राइट, कुछ भी ठीक नहीं है। बोलो ना, क्या हुआ? मेरे अलावा और किस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है तुम्हारा? अफेयर? No, are you mad? हंसो मत। मैंने जो तुमसे पूछा है उसका सही सही जवाब दो, बोलो। ओके, वेट, बताता हूं मैं। इधर आओ। मनु मेरी जान, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं तुम्हें पहले बताता ना। सच सच बताओ, कौन है वो लड़की जिसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है? बोलो। पागल हो गई हो? मेरे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलने की कोशिश मत कर। अगर मेरे अलावा तुमने किसी और लड़की को देखा भी ना तो तुम्हारी ये दोनों आंखें निकाल लेंगे हम। तुम ना पागल हो गई हो, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। देख तेरी बेटी कैसे हंगामा कर रही है, कमरे में एक लड़का भी उसके साथ, जाके शांत कर उसे। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन ये घर कोठा बन जाएगा। जा। यही रुकोगे? अरे मनु बेटा, ये सब क्या हो रहा है और ये है कौन? माँ तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा मामला, मैं समझ लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। छोड़ मेरा कॉलर, जो तुम जैसी बेवकूफ लड़की के साथ नहीं रहना। अच्छा इतना आसान है, मुझे छोड़कर कोई और लड़की पटा लोगे तो? Enough now! तुम पागल हो गई हो, क्या पकड़ रही हो तुम? तुम जिस लड़की की बात कर रही हो ना वो लड़की मेरी छोटी बहन नेहा है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था मनु कि तुम ये हद तक गिर जाओगी। आंटी आप इस लड़की को संभालिए, इसका दिमाग ना ठिकाने पर नहीं है। Damn it! अरे बेटा अगर ऐसे झगड़ा करोगी तो कोई भी रिश्ता कैसे चलेगा? कभी भी किसी को कुछ भी कह देती हो, अरे कभी कुछ थोड़ा बर्दाश्त भी कर लिया करो। माँ मुझे तुम्हारी तरह अबला नारी बनके नहीं जीना है। जिस तरह तुमने बर्दाश्त किया मुझे मत सिखाओ। मुझे पता है किसको कैसे हैंडल करना है, और ये लड़के पता नहीं क्या समझते अपने आप को, हमें चाहे जैसे भी ट्रीट करे हम कुछ ना बोले। अरे सुनीता, माँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? चल मेरे लिए हलवा बना, चल। भैया आपके लिए किसी ने कुछ भेजा है। ओके। हो गया ना, जाओ। भैया लगता है झगड़ा हुआ है आपका किसी से। नेहा बोला मैंने जाओ। भैया प्यार से बात कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नेहा मैंने कहा जाओ, बाद में बात करता हूं।
के साथ अफेयर चल रहा है तुम्हारा? अगर मेरे अलावा तुमने किसी और लड़की को देखा भी ना, हमारी दोनों आंखें निकाल लेंगे हम। हेलो ऋषि, माफ कर दो ना प्लीज। आई एम सो सॉरी ऋषि, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। तुम जानते हो ना मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। एक बार माफ कर दो, आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगी, पक्का प्रॉमिस। प्लीज कर दो ना माफ, प्लीज ऋषि। और कुछ बोलना है? हाँ ऋषि, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, पर वो सरप्राइज मैं तुम्हें तब दूंगी जब तुम मेरे पास बहुत पास आओगे। आ रहे हो ना तुम? बेटा आशु। हाँ माँ बोलो ना। ले ये चाय पी ले। बेटा। हाँ माँ। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। हाँ बोलो ना माँ। जब तक तेरी नौकरी नहीं लगती है मैं कुछ घरों में काम कर लेती हूँ। घर में पैसों की तंगी बढ़ती जा रही है। माँ दोबारा ऐसा मत बोल, सब ठीक हो जाएगा, मैं कुछ करता हूं। ये रख लो, इसे भेज दो, कम से कम ये महीना तो निकल जाएगा, पर आगे का मैं कुछ कर लूंगा। पर प्लीज मां दोबारा ऐसा मत बोलना, सब ठीक हो जाए, मैं कुछ कर लूंगा। ऋषि तुम नाराज नहीं हो? देखो छोटे मोटे झगड़े से रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, छोटे मोटे झगड़ों की वजह से रिश्ते नहीं खराब करना चाहिए, इसलिए मैं आया हूं। और वैसे भी जब तुम मेरा सरप्राइज देखोगे ना तो तुम्हारा सारा मूड ठीक हो जाएगा। देखना चाहते हो ऋषि? ये देखो, टैटू। तुमने टैटू बनवाया और मुझसे पूछा भी? I love you ऋषि, तो मुझे कभी छोड़ के मत जाना। अच्छा सुनो ना, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? हाँ।
अभी लाती हूँ। तुमसे एक बात पूछना चाहता था, क्या तुम्हारा कोई पास्ट रहा है क्या जिसके बारे में तुमने मुझे बताया नहीं? क्यों पूछ रहा? बस ऐसे ही, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं, हाँ बोला ना, नहीं। पीछे क्यों पड़ रहे हो? पीछे नहीं पड़ रहा हूं मनु, देखो हम दोनों को एक दूसरे के साथ जिंदगी बितानी है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम दोनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता हो। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं जानता। ये साला चल क्या रहा है? हम अपने ऑफिस नहीं गए, यहाँ घर पे तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं, तुम्हारे लिए टैटू बनवा लिया और तुम हो कि एक सेकेंड। उस दिन हमने तुमसे पूछा कि तुम्हारा कुछ चल रहा है, इसलिए आज तुम हमसे पूछ रहे हो ताकि तुम हम में कमी निकाल सको, ताकि तुम हमें डोमिनेट कर सको। Come on, wait, please. देखो मनु, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें डोमिनेट करने का, okay? तुम्हारी हरकतें तो ऐसी है, पहले तो तुम कभी ऐसा नहीं करते थे। यार तुम बिल्कुल इम्पॉसिबल हो क्या? समझ में नहीं आता तुमको? तुम ना, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना नामुमकिन है। अगर मैं तुम्हारा ये बिहेवियर, तुम्हारा ये कैरेक्टर पहले पता चल जाता ना मुझे, तो मैं अपना समय नहीं बर्बाद करता। समय नहीं बर्बाद करते तुम? लड़की का फायदा उठा लिया और अब तुम पतली गली से निकलना चाहते हो? माइंड लगाएगा गलू, क्या बकवास की जा रही हो? तो समझती हो क्या बोल रही हो तुम? जब मुझे अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, प्लीज तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि तुम भी मुझे भूल जाओ। भूल जाओ? हाँ भूल जाओ। मेरा यूज करके अब तुम कह रहे हो कि तुम मुझे भूलना चाहते हो? जा रहा हूं मैं यहां से, बकवास बंद करो। अरे ये चोट कैसे लगी? कहाँ लगी? अरे कुछ बताओ हमको। कैसे लगा चोट बताओ बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। कुछ नहीं माँ, वो फैक्ट्री वर्कर की गलती की वजह से लग गया था, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओ ये बात थी, मैं तो डर गई थी। थैंक गॉड तुमको कुछ नहीं हुआ। अच्छा माँ, वो आपकी दोस्त की बेटी का रिश्ता आया था ना, उस रिश्ते का क्या हुआ? अरे वो लोग तो कब से तैयार बैठे हैं। तुमने ही हानि करी अभी तक। आप एक काम करिए, उन्हें शादी के लिए हाँ कर दीजिए, मैं तैयार हूँ। सही में? ठीक है बेटा, अभी बोल दूंगी मैं। बर्बाद करती, अब देख कि मैं तेरी जिंदगी कैसे बर्बाद करता हूं।
तेरी इतनी हिम्मत तो फिर से मेरे सामने आ गया। लगता है तुझे फिर से जेल की हवा खिलानी पड़ेगी। खिला देना, फिर से झूठे केस के इल्जाम में जेल की हवा खिला देना। पर ये तो देख ले तू जिससे प्यार कर रही वो तेरे साथ क्या कर रहा है। जान ले लेंगे उसकी हम, मुझे धोखा देगा वो। ओहो धोखा, तुम तो बड़ी सती सावित्री हो ना, तुमने भी तो मेरे साथ ऐसा ही किया था ना, तो तुझे अब बुरा क्यों लग रहा है। तुझे क्या लगता है तू कब तक दूसरों की खुशियों की आग में आराम से हाथ सेकते रहेगी। जा बजा ले, 2 घंटे बचे अपनी जिंदगी बर्बाद होने से। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। बहुत भाग्य वाली है लड़की जो मनोत्रा के बेटे के साथ सगाई हो रही है। अब सगाई का टाइम हो गया है, अब ऋषि बेटा राधिका को रिंग पहनाए। ऐसे क्या देखते हो ऋषि, कि तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा। ये ऋषि ये मेरे साथ कुछ कर चुका है। सब कुछ मतलब सब कुछ, और अब ये मुझे छोड़ के तुम्हारे साथ शादी करने जा रहा है। मेरे साथ शादी करनी ही नहीं थी तो मेरा यूज क्यों किया। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। देखो देखो यहाँ पे कोई तमाशा मत बनाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है। प्लीज अभी जाओ, प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, जाओ यहाँ से, जाओ मनु। ऋषि ये सब क्या है, क्या है ये सब? कुछ 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 भी नहीं भाई साहब, पता नहीं लड़की कौन है, मेरे बेटे को बदनाम करने के लिए उसके ऊपर लांछन लगा रही है ये। नहीं आंटी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ऋषि को। ऋषि के पीठ के पीछे कंधे के 6 इंच नीचे एक छोटा सा तिल है, और छाती पर 2 इंच नीचे तिल है। बात कहें तो मैं और भी बहुत कुछ बता सकती हूँ। क्या आप लोग को और सब कुछ चाहिए? ये देखिए, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, लड़कियों का फायदा उठाकर उनका यूज करते हैं। जैसे नई वाली मिलती है पुरानी वाली को छोड़ देते हैं, जैसे कि इसने मेरे साथ। सुनो अब तुम देख लो कि तुम्हें इसके साथ क्या करना है। इंसान निकलोगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारी शादी क्या, तुम्हारी इस बहन से भी कोई शादी नहीं करेगा। किसी भी बच्चे के परवरिश में उसके माँ बाप का हाथ होता, इसका बाप तो था नहीं, विदेश में बैठा हुआ है।
इसकी माँ ने जैसी इसकी परवरिश की है उसी का छाप इसके ऊपर दिखता है। चलो बेटा। हमारी शिक्षा हमारे घर परिवार से ही शुरू हो जाती है। हम जिस तरह के वातावरण में रहते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व पर गहरा असर छोड़ता है, और मनु के साथ भी कुछ ऐसा ही था। बचपन से ही उसने अपने घर में अपनी माँ को बेइज्जत होते देखा था, और शायद यही वजह थी कि वो हर लड़के को अपने पिता की श्रेणी में रख व्यवहार कर रही थी, और जिसका नतीजा ये होता जा रहा था कि वो अपने रिश्ते को खुद ही बिगाड़ती जा रही थी। और दूसरी तरफ उसकी इस मानसिकता का फायदा उठा रहा था आशु। ऋषि के साथ मनु का व्यवहार ऋषि और उसके परिवार के लिए परेशानी का सबब बन चुका था। अब इस परेशानी से निपटने के लिए ऋषि क्या कदम उठाने वाला था, अब देखना यह है कि आशु, मनु और ऋषि की जिंदगी कौन सा भयानक मोड़ लेने वाली थी। क्या कर रहा हूं? चलो जाओ यहां से। देख रहा हूं क्या हाल बना दिया उसने। हो कौन तुम और ये क्या बकवास कर रहा हूं? वही जो तुम सुन रहे हो, ये लड़की सबको अपने बाप की जागीर समझती। एक मिनट नहीं लगता हाथ छोड़ते हुए तुम पे भी उठाया होगा। देखो ना, घर के चली गई ना, तुम्हारे और तुम्हारी मां की बेइज्जती। इस मनु की वजह से जिस लड़की से तुम्हारी शादी होने वाली थी छोड़ के चली गई ना। मैंने पूछा हो कौन तुम? जिसने तुम्हें छोटा सा प्यारा सा डैडी भेजा, मनु का सताया हुआ एक इंसान। हो तो वो तुम थे। सब कुछ जानते हुए भी यहां पर मेरा मजाक उड़ाना है? मजाक नहीं बल्कि ये बताने आया हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। इस लड़की को ऐसे ही हमारी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दे सकते। सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इस लड़की की वजह से आज मेरी मां की ही हालत हो गई। मेरी बहन, मेरी मां घर से निकलने में कतराने लगी हैं। सुबह शाम मोहल्ले वाले उनको ताने देते हैं। जिंदगी बर्बाद करके रख दी मेरी इस लड़की ने। तभी तो कह रहा इसे ऐसे ही सब कुछ करने नहीं दे सकते। सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जिस लड़की ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी उसे ऐसे ही चैन से जीने तो नहीं दे सकते। क्यों इतना जिद कर रही है बेटा? चलना हमारे साथ। जी बहुत घबरा रहा है। अरे माँ आप जाओ ना, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो मेरा? बोला ना मैं नहीं आऊंगी।
एक फोन लगा के देख लेती हूँ। लगाओ। हेलो। अरे अभी तो तुम गई हो, फिर से फोन कर दिया। अच्छा रुको, दरवाजे पे कोई आया है। इस वक्त कौन आया होगा? हाँ माँ, कोई नहीं है, कोई बच्चा होगा, तंग कर रहा। बेटा ध्यान से दरवाजा ठीक से बंद कर लेना, ठीक है ना? कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। तेज चला। कुछ करिए ना। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी पुलिस का फोन लगाता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन। सबसे पहले पता होनी चाहिए थी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। तुमने मेरे और मेरे परिवार वालों के जीथड़े उड़ा दिए। किसी को मुंह तक दिखाने लायक नहीं रहा। और तुम इतने के बावजूद भी पूछती हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूं, तुमसे माफी मांगती हूं। मुझे छोड़ दो ऋषि, मुझे छोड़ दो। माफी? कुछ याद है तुम्हें? एक दिन वो भी था जब इसी तरह से मैंने भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगी थी। क्या किया था तुमने? क्या किया था तुमने? मुझे माफ किया था? नहीं ना। तो फिर आज किस उम्मीद से मुझसे तुम माफी मांग रही हो? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। लेकिन अब मैं तुम्हें किसी और की जिंदगी पर बात नहीं करने दूंगा। गुड बाय मनु, गुड बाय मनु, गुड बाय मनु। मर रही हो? थोड़ी देर, प्लीज थोड़ी देर अपनी मौत को रोक लो ना। अगर तुम ऐसे मर जाओगी तो तुम्हारी मौत अधूरी रह जाएगी। फिर तुम्हारी आत्मा भूत की तरह इधर उधर भटकेगी। एक तो तुम ऐसे ही आफत की पुड़िया, भूत बनने के बाद क्या करोगी? ऐसे जानना नहीं चाहोगी कि तुम्हारे मौत के पीछे किसका हाथ? मेरा चेहरा देखना नहीं चाहोगी? छोटे से कमरे के
सब तुम। छोटी सी गलती। मैंने क्या किया था? मैंने भी तो छोटी सी गलती की थी तुझसे प्यार करके, और तुमने क्या किया? तड़प रही हो ना? तुझे मेरी तड़प का अंदाजा नहीं था, मुझे झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया। किसी भी इंसान में क्रोध ही एक ऐसा भाव है जो कई बार उसे अपराध की तरफ ले जाता है। हम सब अपनी जिंदगी में रोज इसका सामना करते हैं, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि कैसे हम अपने या सामने वाले के क्रोध को शांत करें, क्रोध की असली वजह को जानने की कोशिश करें और स्थिति को सामान्य करें, शांत करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस क्रोध के आवेश में जुर्म को अंजाम दे देते हैं। आशु ने ऋषि को अपना मोहरा बनाया, उसके गुस्से को कम नहीं होने दिया, बल्कि आग में घी डालकर उसके गुस्से को इस हद तक बढ़ा दिया कि उसने हत्या जैसा जघन्य अपराध कर दिया जो कि सरासर गलत था। वहीं दूसरी तरफ मनु का हिंसक व्यवहार उसकी मौत का कारण बन गया। दोस्तों, महत्वाकांक्षी होना, अपने सम्मान के लिए लड़ना सबका अधिकार है, लेकिन अपने सम्मान में दूसरों को अपमानित करना यह सरासर गलत है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।